अयोध्या की रामलीला पिछली बार की तरह इस बार भी खास रहने वाली है। इसकी एक वजह ये भी है कि पिछली बार अयोध्या की रामलीला विश्व की सबसे बड़ी रामलीला होने का दावा किया जा रहा है। बताया जाता है कि पिछले वर्ष अयोध्या की रामलीला को 16 करोड़ से ज़्यादा श्री राम के भक्तों ने पिछले वर्ष अपने घरों में बैठकर कोरोना काल के समय अयोध्या की रामलीला देखी थी। इस वर्ष भी भगवान श्री राम के भक्त अपने घरों में बैठकर कई चैनल यूट्यूब और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से देख सकेंगे। आपको बता दें कि अयोध्या की रामलीला की स्क्रिप्ट सरल भाषा में रखी गई है ताकि आज की युवा पीढ़ी को भी रामलीला देखने की तरफ उत्साहित हो सके। दिल्ली के एक 5 सितारा होटल में शनिवार को एक प्रेस वार्ता कर रामलीला के चेयरमैन राकेश बिंदल, अध्यक्ष सुभाष मलिक, बॉबी भरत की भूमिका निभा रहे कैप्टन राज माथुर, संरक्षण पवन वत्स, अभिनेता रजा मुराद, अभिनेता अवतार गिल, अभिनेता राकेश बेदी, राजेश पुरी ने प्रेस वार्ता में अपने रोल के बारे में जानकारी दी। अयोध्या की रामलीला में इस बार क्या खास रहने वाला है, आइए सुनते हैं। पिछले साल लाल किले से हम अयोध्या पहुंच गए और क्योंकि कोविड महामारी की वजह से दर्शक नहीं आ पाते थे वहां, तो ये रामलीला दूरदर्शन पे लाइव दिखाई गई और उसका ये असर हुआ कि 15 या 16 करोड़ दर्शकों ने एक साथ उस रामलीला को देखा। रामचंद्र जी से अच्छा ना कोई बेटा था, ना कोई भाई था, ना कोई पति था, ना कोई राजा था। उनके बताए हुए मार्गदर्शन पर चलना और उन्हीं की जीवन से आधारित ये रामलीला खेली जाती है, तो ये सिर्फ एक मनोरंजन का साधन नहीं है, ये एक बहुत बड़ी सीख है। मैं ये कहना चाहता हूं कि आज अगर हम राम राज्य की बात करते हैं, उससे अच्छा राज्य कोई नहीं है दोबारा अयोध्या जा रहे हैं दोबारा खेल। और इस बार मैं कुंभकर्ण का रोल कर रहा हूं। इसमें सिर्फ एक ही बात और दिया है कि जो आज की जनरेशन है, यूथ जो इससे जुड़ रहा है, वो क्योंकि रामायण एक ऐसा एपिक है जो आज की भाग दौड़ में शायद बच्चे ना उसे पढ़ पाए या ना उसे समझ पाए, तो यही एक जरिया है जो हम वर्चुअल करते हैं अभी। तो वर्चुअल करने की वजह से बच्चे क्योंकि आजकल हाईटेक है तो वो इसे देख पाते हैं और देख पाते हैं तभी कुछ सीख पाते हैं, क्योंकि इसमें इतना कुछ सीखने के लिए है, इतनी वैल्यूज हैं, हर कैरेक्टर में एक अपने आप में एक एक, एक सबक है। तो वो इसकी वजह से जो बॉबी जी ने बड़े भव्य तरीके से अभी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ये पिछली बार भी किया था, लाल किले में भी किया, सारा क्रेडिट इनको ही जाता है, हम तो सिर्फ कठपुतलियाँ हैं जो ये नचाते हैं लेकिन हम इसके भागी बने हैं, इसके हम भागीदार हैं। तो एक नई पौल पैदा हो चुकी होती है, नई जनरेशन आ चुकी होती है जिसको कोशिश की जाती है कि भाई ये भी सीखे, ये भी सीखे। तो जैसा राजा जी ने कहा कि पिछली बार 14-15 करोड़ लोगों ने 16 करोड़ लोगों ने दूरदर्शन के माध्यम से, इस बार इंशाल्लाह 20 तो बार हो ही जाएगा बड़े आराम से। तो हमारा बड़ा सौभाग्य ये है, सबसे बड़ा ये है कि रामलीला तो कर ही रहे, लेकिन पिछली बार हमने की तो मैं बहुत अपने आप को गौरवान्वित फील करता था कि अयोध्या में जो पहली रामलीला हुई उसमें हमने हिस्सा लिया। अब आज भी वो कंटिन्यू हो रही है, हम दोबारा अयोध्या कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक थोड़ी सी हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हम पिछले जैसा राजा साहब ने कहा 7-8 साल से यहाँ करते थे, तो इसकी हिम्मत है कि इसने ये डिसीजन लिया, वहाँ गया, सबको ले गया और इस बार तो जोश डबल है, जरूर बेहतर होगा पिछली बार से, क्योंकि पहली बार की बात अलग होती है, पता नहीं कैसा होगा क्या होगा। पहली बार सक्सेसफुल हुआ तो इस बार और कॉन्फिडेंट है, ज्यादा अच्छा होगा। आपको बता दें कि इस बार रामलीला 6 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक रात 7 बजे 10 बजे तक चैनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखी जा सकती है। टोटल खबरें दिल्ली से राजेश खन्ना की रिपोर्ट।